किसानों का आंदोलन आज भी बरकरार रहने वाला है। बॉर्डर पर अलर्ट है, सुरक्षा का पहरा काफी कड़ा। शंभू बॉर्डर पर देर रात हंगामा हुआ, पुलिस से दागे आंसू गैस के गोले। हरियाणा के अंबाला में किसानों का प्रदर्शन, कई जवान हुए घायल, अस्पताल भेजे गए जवान। सिंगू बॉर्डर पर सख्ती से बढ़ गई परेशानी, लगा अंबाला ट्रैफिक जाम, रेंगती नजर आई गाड़ियां। बीएनटी फ्लाईओवर पर लंबा जाम देखने को मिला, जाम में फंसी कई गाड़ियां, लोगों की बड़ी परेशानी। दिल्ली के राजेंद्र नगर में सुरक्षा सख्त, पुलिस पर रही गाड़ियों की चेकिंग, छानबीन के बाद मिल रहा प्रवेश। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में किसानों के समर्थन में सीपीएम ने किया प्रदर्शन, आंसू गैस के गोले छोड़कर खदेड़ा लोगों को पुलिस ने। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किसानों से की चर्चा की अपील, का किसान भाइयों की भलाई के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को दिया जवाब, बोले कांग्रेस के समय में नहीं मिलता था किसानों को। ले कांग्रेस नेता राहुल गांधी का किसानों से वायदा, स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार देंगे एमएसपी की गारंटी। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा किसानों को जो मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार को घेरा है, बोले पीएम मोदी गरीबों किसानों को नहीं देखते हैं, वो सिर्फ अमीरों को देखते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का केंद्र सरकार पर वार, कहा दिल्ली में किसानों पर हो रहा अत्याचार। किसान आंदोलन को लेकर अनिल विज का बड़ा बयान, किसानों के मकसद पर उठाए सवाल, हमला करके नहीं निकलेगा कोई भी समाधान। किसान नेता जगजीत सिंह का बयान, हमने कई बार सरकार तक अपनी बात को पहुंचाया लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक पर बोले किसान नेता जगजीत सिंह, सरकार ने किसानों की एक भी बात नहीं मानी। किसान आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, सरकार ने किसानों की कई मांगे पूरी कर दी, बाकी मांगों को लेकर बातचीत जारी है। किसान आंदोलन के चलते पंजाब में हुई डीजल गैस की किल्लत, 50% डीजल 20% गैस कम पहुंची है। आबूधाबी में आज हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, श्रद्धालुओं के लिए 1 मार्च से खुलेगा मंदिर। भारतीय वास्तुकला पर आधारित है मंदिर, गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ इसका निर्माण, गंगा यमुना से पवित्र जल का हुआ इसमें इस्तेमाल। मंदिर के दोनों तरफ बहरा गंगा और यमुना नदी का जल बड़े बड़े कंटेनर्स में भरकर जल को आबूधाबी पहुंचाया गया। 27 एकड़ जमीन पर हुआ हिंदू मंदिर का उद्घाटन, निर्माण यहां पर हुआ है बलुआ पत्थर पर की गई संगमरमर की खूबसूरत नक्काशी। उत्तरी राजस्थान में अबूधाबी पहुंचाया गया था बलुआ पत्थर, राजस्थान और गुजरात के कुशल कारीगरों ने की इसकी नक्काशी। 2019 से चल रहा था मंदिर का निर्माण, मंदिर के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने दान में दी है जमीन। अबूधाबी में पीएम मोदी के अहलन मोदी कार्यक्रम को किया गया संबोधित, अपने 30वें टर्म में भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी। भारत और यूएई मिलकर लिख रहे हैं एक नया इतिहास, पीएम मोदी ने कहा भारतीयों का लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। पीएम मोदी का दुबई में सीबीएसई कार्यालय खोलने का ऐलान, बोले भारतीय समुदाय को मिलेगी सर्वोत्तम शिक्षा। यूएई के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित होने को पीएम मोदी ने बताया अपना सौभाग्य, बोले मेरा नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय नागरिकों का सम्मान है। अलहन मोदी कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जुटे लोग, पीएम मोदी ने हाथ मिलाकर सभी के अभिवादन को स्वीकारा। यूएई के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हुई, कई समझौतों पर हस्ताक्षर, यूपीआई रुपए कार्ड सेवा की शुरुआत। बुर्ज खलीफा पर भारत का सम्मान, गेस्ट ऑफ ऑनर रिपब्लिक ऑफ इंडिया शब्दों से जगमग हुआ बुर्ज खलीफा। यूएई के दौरे के बाद आज ही कतर जाएंगे पीएम मोदी, शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात होगी। कतर दौरे से पहले पीएम मोदी ने किया पोज, कुछ सालों में दोनों देशों के रिश्ते हुए मजबूत, पीएम ने की शेख तमीम बिन हमद अल थानी की तारीफ। सुब्रमण्यम स्वामी के दावे पर शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी ने दिया जवाब, कतर से भारतीय की वापसी में शाहरुख का नहीं था कोई रोल, भागीदारों के दावे बेबुनियाद। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगी, जयपुर में नामांकन करेंगी दाखिल, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। नामांकन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगे, राहुल गांधी छत्तीसगढ़ से दिल्ली लौटेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया, अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी, भेदभाव का आरोप। संदेश काली मुद्दे पर पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी का प्रदर्शन, पुलिस ने बीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया, बाद में सभी को छोड़ा गया। पुलिस ने धरना दे रहे बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार को भी हिरासत में लिया, एसपी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे कार्यकर्ता, तभी पुलिस उनको छोड़ दिया। संदेश काली हिंसा पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान, हमारा आंदोलन जारी रहने वाला है, बीजेपी विधायक दोबारा करेंगे प्रदर्शन।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दिया एक सीट का ऑफर। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी बोले, कांग्रेस पार्टी भीख नहीं मांग रही आपसे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस को बताया डूबती हुई नाव। अपनी पार्टी के नेताओं को विश्वास में नहीं ले पा रही है कांग्रेस। बिरिकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची गुजरात सरकार। दायर की समीक्षा याचिका, आरोपियों की रिहाई को लेकर सरकार पर की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग। सीएम धामी के ऐलान के बाद हल्द्वानी में विवादित जगह पर बनी पुलिस चौकी। हिंसा में सक्रिय महिला पुलिसकर्मियों ने किया उद्घाटन। वाराणसी के कारखियाओं गांव में होगी पीएम मोदी की रैली। सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। बंगाल के कलाईकुंता इलाके में भारतीय वायुसेना का विमान क्रैश। बाल बाल बची पायलट की जान। मुरादाबाद में पुलिस ने 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। 21 करोड़ रुपए ठगी मामले में एक्शन हुआ। छत्तीसगढ़ के आरोपी बताए जा रहे। राजनीतिक दलों की तरफ से मुफ्त वायदों की घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। घोषणा पत्र पर नजर रखने के लिए कमेटी के गठन की मांग। दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। याचिका में यूएपीए के प्रावधानों को भी चुनौती है। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को फांसी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। एनआईए ने की है फांसी की सजा की मांग। भारत अर्जुन टैंक्स में कर सकता स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल। जर्मनी से इंजन की डिलीवरी में लगभग 4 साल की देरी की संभावना। मोइजू ने भारत को फिर दिखाई आग। मालदीव में अवैध कारोबार के आरोप में 43 भारतीय समेत 186 विदेशियों को किया रिपोर्ट। चीन का एक भी नागरिक शामिल नहीं। आंध्र प्रदेश के पहले खेल महाकुंभ का शानदार समापन। विशाखापट्टनम स्टेडियम में आतिशबाजी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परीक्षा का कैलेंडर जारी। 22 जून को होगी पहली भर्ती परीक्षा। दिल्ली में सहोदय की ओर से सिनर्जी 2024 का आयोजन। रिटायर्ड शिक्षक पूर्व छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया। राजस्थान के नीम का थाना में ट्रेलर और कार की टक्कर। हादसे में 3 की मौत। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा। 2 की मौत। ट्रक चालक फरार। यूपी के हरदोई में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत। विद्युत विभाग पर लापरवाही के आरोप। यूपी के बहराइच में शादी समारोह में खाना खाने से 50 से ज्यादा लोग बीमार। टिक्की खाने सभी को फूड पॉइजनिंग हुई। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। 2 किलो से ज्यादा तस्करी का सोना पकड़ा। 1,34,00,000 आंकी गई इसकी कीमत। यूपी के लखनऊ में 2 मंजिला मकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आग पर पाया गया काबू। राजस्थान के जोधपुर में गत्ते की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में राधा स्वामी आश्रम के ग्राउंड में लगी आग। किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। राजस्थान के कोटा में इंजीनियरिंग में छात्र ने सुसाइड किया। एग्जाम से सेलेक्ट न होने की वजह से उसने कदम उठाया। यूपी के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर। 25,000 के इनामी को गोली लगने से वो जख्मी हुआ। बदमाश पर पहले से कई मुकदमे दर्ज रहे हैं। एमपी के रीवा में बीच सड़क पर दो पक्षों में मारपीट। शराब के नशे में दोनों में लाठी डंडे चल गए। आरबीआई की कार्रवाई के बाद पेटीएम ने दी जानकारी। चलते रहेंगे पेटीएम के क्यूआर कोड। व्यापारियों को नहीं होगी दिक्कत। अदानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू याचिका दायर। एससी ने सुप्रीम कोर्ट ने आरोप को लेकर जांच टीम गठित करने से इंकार किया था। दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन। 15 साल के उद्योगपति आर्यन आसवानी ने प्रोजेक्ट आर्य पर की है बात। वर्ल्ड रेसलिंग ने यहां पर WFI से सशर्त निलंबन हटा दिया। 1 जुलाई से पहले कराने होंगे इलेक्शन। Z News.